हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर विचित्रा एंड साइंस इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन क्लोनिंग की। क्यों है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर क्या आप ये जानते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग को 70 कंट्रीज ने बैन किया हुआ है। दोस्तों, आपने अपने आसपास जुड़वा लोग तो ज़रूर देखे होंगे। उनके बाल सेम हो सकते हैं, उनकी आइस कलर सेम हो सकता है, उनका स्किन कलर सेम हो सकता है, उनकी हाइट एक जैसी हो सकती है, वो दिख एक जैसा सकते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते। दोस्तों, साइंस के पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे ह्यूमन का भी क्लोन बनाया जा सकता है, यानी आपका आइडेंटिकल ट्विन जिसका डीएनए भी आपसे मैच करता हो। तो इस टेक्निक का आइडिया सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, इसे जानने के लिए आइए कुछ साल पहले चलते हैं। रॉबर्ट ब्रिग्स एंड थॉमस किंग ने 1952 में सबसे पहला ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक ब्लास्टुला सेल के न्यूक्लियाय को एक एन्यूक्लिएटेड फ्रॉग एग के अंदर ट्रांसप्लांट किया था। और इसके बाद इंडिया के डॉक्टर हर स्वरूप ने 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अपनी रिसर्च के दौरान पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन और पॉलीप्लॉयडी कॉज किया स्टिकल बैक फिश के अंदर। डॉक्टर हर स्वरूप ने अपनी इस रिसर्च को पब्लिश किया था नेचर जर्नल में, जो कि आज भी प्रेस्टिजियस जर्नल माना जाता है। डॉक्टर हर स्वरूप को अपनी इस रिसर्च की वजह से आगे चलकर जीवाजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने का भी मौका मिला था। उनकी इस रिसर्च ने सेल क्लोनिंग को एक नई दिशा दी। इसके बाद जॉन ग्रुडोन ने 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ही अपनी रिसर्च के दौरान सबसे पहला क्लोन फ्रॉग तैयार किया, और तभी से उन्हें क्लोनिंग का गॉडफादर भी माना जाता है। जॉन ग्रुडोन और जापान के सेनिया यमाका को 2012 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से भी नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने खोज की थी कि मैच्योर सेल्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है स्टेम सेल्स में। इस टेक्निक का यूज काफी सालों तक डिफरेंट स्पीशीज पे किया गया, पर मैमल्स को कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था, क्योंकि मैमल्स को क्लोन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन ये बात 1996 तक ही सीमित थी। 1996 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। दोस्तों, 1996 में इयान वॉलमर नाम के एक साइंटिस्ट ने रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में एक शीप को क्लोन किया, और इस शीप का नाम रखा डॉली शीप। डॉली शीप की क्लोनिंग के लिए दो शीप्स का यूज किया गया था। पहली शीप जिसका फेस ब्लैक कलर का था, और दूसरी शीप जिसका फेस व्हाइट कलर का था। सबसे पहले ब्लैक फिश शीप का डोनर एग एक्सट्रैक्ट किया गया, और इस एग के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया। इस एग को एन्यूक्लिएटेड एग कहा गया, इसका मतलब है कि बिना न्यूक्लियस वाला एग। और इसके बाद व्हाइट फिश शीप के अंदर से एक मैच्योर सेल को लिया गया, और इस मैच्योर सेल को फ्यूज कराया गया हमारे एन्यूक्लिएटेड एग के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूजन के बाद ये एक एग बन गया जिसका न्यूक्लियस भी था। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि पहले न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, फिर व्हाइट फिश शीप के एक सेल को फ्यूज किया गया जिसमें से एक और न्यूक्लियस उस एन्यूक्लिएटेड एग के अंदर आ गया, तो ऐसा क्यों किया गया? एक अनफर्टिलाइज्ड एग खुद ब खुद डिवाइड नहीं कर सकता। एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए मेल डीएनए की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ आ सकता है मेटिंग के दौरान। तो इस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने यूज किया एक कंप्लीट एडल्ट डीएनए का। इस पूरे पैकेज को डायरेक्टली एक एग के अंदर लोड कर दिया गया। एन्यूक्लिएटेड एग और सेल का फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी से करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, पर हमारे दुनिया के साइंटिस्ट ने इसे भी कर दिखाया और एक फ्यूज्ड एग डेवलप कर लिया। ये फ्यूज्ड एग कुछ ही दिनों में एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया, और इस एम्ब्रायो को एक ब्लैक फिश शीप के अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया, और इसके बाद डॉली शीप का जन्म हुआ। डॉली शीप दिखने में बिल्कुल अपनी मदर जैसी नहीं थी, क्योंकि मदर का फेस ब्लैक कलर का था, पर डॉली शीप व्हाइट फेस थी। तो ये व्हाइट फेस कहाँ से आया? साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जो न्यूक्लियस उन्होंने एक एग के अंदर ट्रांसमिट किया था, वो न्यूक्लियस उन्होंने लिया था व्हाइट फेस शीप से, और इसीलिए डॉली शीप जेनेटिकली पूरी तरह से आइडेंटिकल थी व्हाइट फेस शीप के। दोस्तों, क्लोनिंग टेक्निक के अंदर एक लिमिटेशन है, उसमें हमेशा एडल्ट सेल का ही डीएनए यूज किया जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक 6 साल के एडल्ट शीप का डीएनए यूज किया था डॉली शीप को बनाने के लिए। नॉर्मली शीप की एज लिमिट होती है 12 साल, पर डॉली शीप की एज लिमिट थी 6 साल। तो ये कैसे हुआ? देखिए, जब साइंटिस्ट ने
6 साल के एडल्ट से डीएनए लिया तो वो अपनी एक एज लिमिट क्रॉस कर चुका था। तो जब शीप को क्लोन किया गया तो ऑटोमेटिकली उसकी एक एज लिमिट पहले से ही तय हो चुकी थी, यानी कि सेल्स की एज लिमिट उसके पैदा होने पे थी 6 साल। इसीलिए 4 साल की उम्र में डॉली शीप को अर्थराइटिस ने जकड़ लिया और लंग डिसऑर्डर की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है, जिस एज के हम सेल लेते हैं क्लोन हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मेरा क्लोन बनाया जाए और अगर मेरी एज 30 ईयर्स है तो जो क्लोन बनेगा उसके पैदा होने पे भी उसकी एज 30 ईयर्स होगी। इससे हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये न्यू बॉर्न मॉन्कीज का नाम है जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। दोस्तों आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होने वाली है कि ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। दोस्तों आपने जुड़वा लोग तो अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि दो जुड़वा लोग भी जेनेटिकली पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते हैं, पर ये दोनों मॉन्कीज जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। तो चलिए मैं भी सीक्रेट अब खोल ही देता हूँ। दोस्तों ये दोनों मॉन्कीज भी जेनेटिकली डेवलप किए गए हैं लैब के अंदर, और ये करिश्मा करके दिखाया चाइनीज साइंटिस्ट ने। इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया है मू मिंग पो ने। मू मिंग पो डायरेक्टर हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के। मू मिंग पो के मुताबिक उन्होंने सेम प्रोसीजर यूज किया था जो कि यूज किया गया था डॉली शीप को बनाने के लिए। दोस्तों डॉली शीप भी एक मैमल थी और मंकीज भी मैमल हैं। मैमल्स के केस में क्लोनिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि डॉली शीप के मेथड, जिसे हम सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं, उसे वायबल एम्ब्रायोज तो बनाए जा सकते हैं, पर वो एम्ब्रायोज एक मैच्योर हेल्दी एनिमल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए चाइनीज साइंटिस्ट ने कई एंजाइमेटिक मेथड्स का भी इस्तेमाल किया और फाइनली उन्हें सक्सेस मिल ही गई। मू मिंग पो के मुताबिक उनकी एडवांस टेक्निक ह्यूमंस की क्लोनिंग के लिए भी सक्षम है, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी भी देश की गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करती है। चाइनीज साइंटिस्ट के अनुसार इन क्लोन एनिमल्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक म्यूटेशंस की स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों आप ये बात जरूर जानते होंगे कि बंदर भी तो हमारे एंसेस्टर्स ही थे ना, तो क्या ये पॉसिबल है कि ह्यूमंस का क्लोन भी अब बनाया जा सकता है? आपकी राय क्या है? क्या आप फ्यूचर में अपने क्लोन्स भी देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए बटन से सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी साइंस की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।